14 वर्षीय गोपाल दुखी है। दुख का कारण है हाथरस में 19 वर्षीय बेटी के साथ हुई दरिंदगी। ये ऐसी घटना है जिसने 14 साल के बच्चे को फिर वही दर्द दिया जो उसने अपने हाथ गवा देने के बाद पाया था। दिव्यांग गोपाल ने इस घटना पर दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। दिव्यांग गोपाल ने पैर से विक्टिम का प्रतीकात्मक चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी। हाथरस में जिस लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, मैंने उसी को श्रद्धांजलि देते हुए यह चित्र बनाया है। मैंने भी अपने दोनों हाथ एक लाइट एक्सीडेंट में गवा दिए। सरकार से मेरी यह अपील है कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। गोपाल ने कहा कि मैं हाथरस मामले को लेकर बहुत दुखी हूँ। आपको बता दें कि गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव निवासी मुकेश का 14 वर्षीय पुत्र गोपाल पैदा तो सामान्य बच्चों की तरह हुआ था, लेकिन 3 साल की उम्र में मोहल्ले में ही क्रिकेट खेलने के दौरान खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। हादसे में गोपाल के दोनों हाथ व सिर जल गया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हाथों की जगह पैरों से लिखने की कोशिश की। कड़ी मेहनत रंग लाई। वो पैरों से लिखने में माहिर हो गया। अब वो लिखने में आम बच्चों को पीछे पछाड़ सकता है। हाल ही में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। सबको पीछे छोड़ते हुए गोपाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।